बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, बहसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को पैदा फरमाया है। लोग नेक हों या गुनाहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद उसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ न कोई फ़िक्र होगी और न कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहतें होंगी। जन्नत में ज़िंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं। ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पलने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाकया आपको सुनाने लगे हैं जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अजियत की ज़िंदगी गुजार रही है, परेशान हाल है और गमजदा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का ज़ौक व शौक पैदा हो सके। मेराज की शब थी और सारा आलम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हजूम से गुजरते हुए आलम मलकूत का मुआयना फरमाया और फिर जब गश्त के लिए बाग फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हूर व गिलमान की सफ़ें मौजूद थीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हमराह थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्म अकदस एक गमगीन हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, दरियाफ्त करो ये हूर क्यों रो रही है, जन्नत की ऐशो आराम में इसे कौन सा गम लाहिक हो गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। जवाब दिया कि मालूम है, जब ही दो गमगीन फरियादों की तरह अपना हाल बना रखा है कि इनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतज़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। उसने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम के दर्द अंगेज़ कहानी खुद सुनाऊंगी। इजाज़त मिलते ही वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी सरगुज़श्त सुनाना शुरू की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत में हूरों में मुझे हुस्न व जमाल की मलका बनाया। आठों जन्नतों में मेरी तलत व ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। इल्मे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ ज़रूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत व एहसान के आगे मेरी परेशानी हमेशा के लिए खम रहेगी कि तूने मुझे हुसन की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसा कयामत में अपने जिस बंदे मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा इसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे, कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसा होगा। रहमतों का दरबार जोश में आया, मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नज़र आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने के लिए जा रही हूँ। जो ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा नक्शा जल गया। दिल को किसी करवट चैन नहीं है, हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बद शक्ल स्याह फाम और वहशत नाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कराए और दरियाफ्त फरमाया कि अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने भी बयान करो। उसने ठंडी आह भर कर कहा कि सर से पांव तक मुजस्सम स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, चौड़े दांत और चिपटी नाक
और तंग व तारीख पेशानी है, कदो कामत में भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मे नूर में निखरी हुई चांदनी और गुले लाला की बहारों के साथ इसको क्यों कर जोड़ा जा सकता है। जब वो अपनी ज़ात की बात ख़त्म कर चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गई थीं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शान बेनियाजी के साथ इरशाद फरमाया कि तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है, एक आशिक का सरापा, एक मोमिन वफा का और कायनात के एक गोहरे नायाब को पाकर तू गम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक मुजस्सम है, मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाह इलाही में तकर्रुब की उस मसनद इम्तियाज पर फायज है कि कयामत के उसके जिस्म की स्याही हुरान खुल्द के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। आतिशकदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शिफ्तगी में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्न मुजरद का तमाशाई फिरदौस का हुस्न क्यों कर खातर में लाए। चनाचा अपने जलवों की जबाई पर तू गुरूर न कर, हो सकता है कि जिस दिन 70,000 नकाब उलट कर तू बिलाल के सामने आए मेरा बिलाल तुझे पसंद ही न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर वो अपने जज्बात में काबू न रख सकी और हुस्न व जमाल का सारा खुमार उतर गया और मस्ती व शौक में चीख पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी माजरत कबूल कीजिए, मेरे गम का बोझ उतर गया, वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपने खुश नसीबे पर नाज़ा हूँ कि सुल्तान कौनैन का परवरदा नज़र मेरे हिस्से में आया। कयामत के दिन इसी सरापे के साथ बिलाल को अपनी आंखों पर बिठाना चाहती हूँ। चनाचा इसकी माजरत को कबूल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, इश्क के कारसाज ने एक स्याह फाम गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मार क्यों पड़ी है? तो आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था और उसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि यह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसकी बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तो तब दो रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। सुभानअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस हिकायत से हमें ये पता चला कि अगर हम भी बुलंदी दर्जात चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि ज़मीन पर रहते हुए कदमों की आहटें जन्नत के अंदर सुनाई दें, तो हमें चाहिए कि हर वक्त बावजू रहें। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू फौत होता है तो क़यामत के दिन इसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा बावजू रहने और जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।